अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 0302-4489-001। आज हम लोग इस वक्त लोकेशन पे हैं DHA गुजरांवाला की। आप मेरे बैक साइड पे जो देख सकते हैं, ये GT रोड है जो टूवर्ड गुजरात और इस्लामाबाद की तरफ जाता है, और इस तरफ जो है वो लाहौर की तरफ जाता है। हम लोग इस वक्त लोकेशन पे हैं, यहाँ पे DHA गुजरांवाला का मेन गेट के ऊपर काम हो रहा है। ये आप जो मेरी बैक साइड पे इधर राइट साइड पे देख सकते हैं, ये DHA गुजरांवाला का गेट है जिसके ऊपर काम हो रहा है बहुत तेज़ी से। DHA गुजरांवाला जो है ने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया है, और ये मेन एंट्रेंस है DHA गुजरांवाला की। ये हम आपको लेटेस्ट अपडेट इस वक्त दे रहे हैं 20 मार्च 2019। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग डेली बेसिस पे आपको रेट्स अपडेट भी देते हैं DHA गुजरांवाला के ऊपर, और आपको बताते हैं कि इस वक्त बाइंग सेलिंग क्या चल रही है। इस वक्त जो है मेरी बैक पे जो आप देख रहे हैं, ये DHA गुजरांवाला का मेन गेट है जहाँ से मेन एंट्रेंस होगी, और इन फ्यूचर जो है यही डोर जो है वो बैक पे जाएगी जहाँ पे रेजिडेंशियल के एरियाज़ होंगे। हम कोशिश करते हैं कि बैक साइड पे जाके भी आपको जो डेवलपमेंट का काम कुछ स्टार्ट हुआ है वो दिखाएं। आप देख सकते हैं कि इस गेट को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो बैक साइड पे हाई टेंशन वायर्स हैं। हाई टेंशन वायर्स को DHA जो है वो स्मार्ट पोल्स में कन्वर्ट कर देगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, और आपको वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी और वो ग्रीन एरियाज़ के ऊपर आ जाएंगी। मेन रोड के ऊपर वाइड एक्सेस है, 3 एक्सेस हैं। अभी हम लोग ये फर्स्ट एक्सेस के ऊपर हैं, इसके आगे 2 मज़ीद एक्सेस हैं 210 फीट, और मज़ीद 300 के करीब जो है वो इसकी एक्सेस है। ये मेन गेट होगा DHA गुजरांवाला का। तमाम दोस्त जो DHA गुजरांवाला में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेन GT रोड पे DHA का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है DHA का जो मेन GT रोड के ऊपर है, और इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं कि मेन GT रोड के ऊपर से इसकी एंट्रेंस है, और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है हो सकता कि इसकी जो एंट्रेंस है उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है DHA गुजरांवाला को। और इसके थोड़ा सी डिस्टेंस पे DHA गुजरांवाला का मेन ऑफिस है, और इसकी मैं लोकेशन बताता चलूँ, ये राह वाली कैंट के बिल्कुल साथ है। ऑलमोस्ट 400 मीटर आप आगे आएंगे राह वाली चनाब गेट से तो बिल्कुल के लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो ये आपको मेन गेट नज़र आएगा। अब हम अंदर जाते हैं और आपको मज़ीद कुछ डेवलपमेंट दिखाते हैं। थैंक यू। और क्लोजिंग में मैं आपको बता रहा था कि हम लोग जो है वो फर्दर आगे डेवलपमेंट जो हुई है वो दिखाते हैं आपको। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो गाड़ी थी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक हो गई, क्योंकि बारिश हुई हुई थी बहुत ज़्यादा उस एरिए में, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्लिपिंग थी, तो मैं आगे नहीं जा सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब विज़िट होगा तो फिर हम आपको जो बैकग्राउंड पे जो रेजिडेंशियल एरिया में काम हो रहा है कुछ डेवलपमेंट का उसके ऊपर बात करेंगे। अभी मैंने आपको जो दिखाया है वो मेन गेट है मेन GT रोड के ऊपर, और जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया कि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है DHA का जो मेन GT रोड के ऊपर है। प्राइस का अगर आप कंपैरिजन करें तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है, और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो फाइल्स हैं ये हमेशा लॉन्ग टर्म होती हैं। फाइल्स कभी ऐसा नहीं होता कि आप फाइल लें 3 माह बाद बैलेट हो जाए, साल बाद बैलेट हो जाए, और साथ ही 2 साल बाद पोजेशन मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपने फाइल लेनी है और 1-2 साल बैलेटिंग का वेट करना है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस 3 ईयर्स में पे करने हैं, तो ये 3-5 ईयर्स का हमेशा प्रोजेक्ट हुआ करता है। तो हम आपको वो रिकमेंड करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ही चीज़ है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई बैलेटिंग की न्यूज़ आ जाती है, बैलेटिंग हो जाती है, तो आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा गेन मिल सकता है।